हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड, कुछ चार ऐसे फूल वाले पौधे हैं जो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं, वो भी एक ही पॉट में, क्योंकि इनका केयर एक ही जैसा होता है। तो चारों को आप एक साथ लगाते हो तो भी आपका टाइम भी बच जाएगा और एक ही जगह चार अलग तरीके के फूल दिखेंगे हमें, जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पहला प्लांट ये है, ये गॉम्फ्रेना का प्लांट है फ्रेंड। अगर आप एक बार इसको लेके आते हो तो इस तरीके से ढेरों पौधे आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसके फूलों में ही इसका जो सीड होता है, फूल जब सूखेगा, सूखने के बाद वो ढेरों यहाँ पे सीड बनाता है, और सीड को आप कहीं भी छींटते हो तो ढेरों पौधे वहीं पे तैयार हो जाते हैं। मैंने अगले साल एक पौधा ख़रीदा था और उसके सीड मैंने रखे थे, यानी सूखे फूलों को मैंने रखा था, उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको ग्रो किया। तो एक ही बार आपको इसको लेना पड़ेगा और आप इसके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो। इसके और भी कलर मिलते हैं फ्रेंड, नर्सरी में अभी आसानी से ये मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे समर फ्लावरिंग प्लांट है तो ये आसानी से इस टाइम पर नर्सरी में मिलते हैं। दूसरा प्लांट ये है जीनिया फ्रेंड। ये बहुत ही कम देखभाल में चलता है। जीनिया का पिंक कलर है और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, और इसके भी इस तरीके से जब फूल सूखने लगते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, तो उसमें भी यानी सूखे हुए फूलों में ही इसके भी सीड होते हैं। ये भी बहुत आसानी से सीड के द्वारा आप ग्रो कर सकते हो। और इसके बाद ये है, ये सनफ्लावर है, मैंने इसका वीडियो भी पहले डाला था फ्रेंड, और ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, और इसको भी सेम वैसी केयर करना है जैसे हम जीनिया की, गॉम्फ्रेना की या गलाडिया की करते हैं। तो वैसे ही इसीलिए मैंने एक ही पॉट में इनको ग्रो किया है, यानी कि ये चारों प्लांट की केयर एक ही जैसी है, इसलिए मैंने इनको एक साथ ही ग्रो किया है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ में जा रहे हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये गलाडिया का प्लांट है फ्रेंड। ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग होती है, और इसके भी सूखे हुए फूलों में ही, यानी कि इसके फूलों में ही इसका सीड होता है। फूल जब इस तरीके से सूख जाता है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो सूख के, ये और ज़्यादा सूखेगा, सूखने के बाद यहाँ पे ढेर सारे सीड बनाता है, उसके बाद आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, इधर उधर उड़ के भी सीड आपके दूसरे प्लांट के पॉट में गिरता है ना, तो वहीं पे ग्रोथ शुरू हो जाती है, या फिर इसके ही पॉट में आपको ढेर सारे प्लांट मिलेंगे। तो ये भी प्लांट एक बार आप लेके आते हो तो आपके घर से कभी कहीं भी नहीं जाएगा और ढेरों पौधे अपने आप तैयार करता है। बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं फ्रेंड ये चारों के चारों, एक बार आप लेके आओ और आपके घर से कभी नहीं जाएगा, और सबकी केयर एक ही होती है। यानी कि मैं जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, केले के छिलके का, प्याज के छिलके का, या ऑरेंज के छिलके का, वर्मी कंपोस्ट का, काउडंग कंपोस्ट का, या फिर जो मस्टर्ड केक होता है उसका फर्टिलाइज़र, यानी कि गोबर की खाद का, वर्मी कंपोस्ट का, या फिर मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र होता है उसको 20 से 25 दिन में एक बार मैं देती हूँ, या अगर मैं केले के छिलके का, यानी कि कोई भी फ्रूट के छिलके या वेजिटेबल के छिलके का फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ तो उसको 10-10 दिन के गैप में मैं देती हूँ। तो बस इतना करने पर ही मेरे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और इस तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। तो चारों पौधों को एक साथ आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बहुत ही कम देखभाल में चलता है और इस तरीके से फ्लावरिंग करता है, और एक बार आप लाने पर कभी आपके घर से नहीं जाएगा। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो।